भारत में पहली बार इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से बना इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग टैब। अब आपको गर्म पानी मिलेगा सिर्फ 10 सेकंड्स में। अब गैस स्टोव पर पानी गर्म होने के इंतजार को कीजिए बाय बाय। अब आपको नहाने का पानी गर्म करते हुए बिजली का झटका नहीं लगेगा। इस टैब को आप बाथरूम की दीवार और किचन के बेसिन में फिक्स कर सकते हैं। ये इंस्टेंट हीटिंग टैब बना है ABS प्लास्टिक मटेरियल से, जो आपको देता है 60 डिग्री टेम्परेचर तक का गर्म पानी। खास तौर से सर्दियों में महिलाओं को किचन में सुबह सुबह हिम्मत ना होने पर भी ठंडे पानी से काम करना पड़ता है। उस पर अगर गैस पर पानी गर्म करें तो वक्त और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। ऐसे में इंस्टेंट हीटिंग टैब एक वरदान से कम नहीं होगा। किचन की सिंक और जिद्दी तेल से भरे बर्तनों की सफाई, सब्जियों और फलों को धोने से लेकर पुरुषों के लिए शेविंग जैसी आपकी कई छोटी मोटी जरूरतें गर्म पानी के बिना पूरी नहीं होती। पर अब इंस्टेंट हीटिंग टैब करेगा ये सारी जरूरतें पूरी पलक झपकाते ही। आमतौर पर पानी गर्म करने के लिए इमर्जन रॉड, गैस स्टोव या गीजर का इस्तेमाल होता है, जिनमें पानी गर्म करने के लिए 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करना होता है। बिजली का भारी बिल आता है और गैस खर्च होती है। इस तरह से इनसे वक्त और पैसा दोनों की ही बर्बादी होती है, वो भी इससे जुड़े रिस्क के साथ। लेकिन हमारा इंस्टेंट हीटिंग टैब 10 सेकंड में आपको देता है गर्म पानी, वो भी कम बिजली की खपत के साथ। यानी ये बचाएगा आपका वक्त और पैसा दोनों ही, बगैर शॉक लगने या हाथ जलने के रिस्क से। तो फिर देर कैसी, अभी कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करें। संपर्क राहुल आबा देवरी हैं जी, समर्थ इंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 15, सावता मार्केट, फुले कॉलोनी समोर, धुळे। मोबाइल क्रमांक 94216 17820, 75887 35720। सिटी चॅनल बातमीपत्रात पुन्हा आपले स्वागत। शहरातील बाजारपेठ भागासह इतर भागात 15 दिवसांपासून पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे नागरिकांचे खूप हाल होत आहेत। तरी तात्काळ पाणी पुरवठा करण्यात यावा असे निवेदन माजी नगरसेविका मायादेवी परदेशी यांच्यासह बहुसंख्य महिलांनी महापौरांना दिले। धुळे शहरातील आग्रा रोड, JB रोड तसेच गली नंबर 4567 आदी भागात मनमाड जिन जवळील टाकीवरून पाणी पुरवठा केला जातो, परंतु पाणी पुरवठा करणारी जलवाहिनी फुटल्याने या भागांमध्ये 15 दिवसांपासून पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे नागरिकांचे पाण्यासाठी प्रचंड हाल होत आहेत। तरी मनपा प्रशासनाने तात्काळ जलवाहिनी दुरुस्ती करून पाणी पुरवठा करावा, तसेच इतर समस्याही सोडविण्यात याव्यात अशा मागणीचे निवेदन माजी नगरसेविका मायादेवी परदेशी यांच्यासह परिसरातील बहुसंख्य महिलांनी महापौर चंद्रकांत सोनार यांना मंगळवारी दिले। यावेळी सुपरदेशी सोबत आशा लता बागुल, रंजना कोतकर, सुरेख बागुल, रजनी जैन, लता वागारे, स्मिता कोतकर, संगीता चौधरी, प्रतिभा वागारे, संगीता खैरणार, रजनी शिंदे, नंदाताई नागरे, लता चौधरी आदी असंख्य महिला उपस्थित होत्या। महिलाओं के कुछ भी काम नहीं होते, आज लागोपाट 15 दिन हो गए पीने का पानी नहीं, त्रस्त होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर आए। मैंने एक एक दिन उनको समझाते गई कि भाई, लेकिन उसका ना इलाज हुआ। 15 दिन के बाद आज हम यहाँ पर आए और जो हमारा वार्ड है, साल भर से हमारे वार्ड में समस्या समस्या ही है। पानी की थी बहुत गहन समस्या थी, उसके बावजूद जो घर मेरा पेट विभाग है, व्यापारी पेट है, वहाँ पर मैंने उन्हें वही बोला कि भाई आप अभी तुरंत मेरे साथ विजिट के लिए चलो, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कचरे की डिगार लगी हुई है। आज हम सभी को मालूम है कि भाई कितनी डांस मच्छर होने की वजह से कई दिनों से वहाँ पर दूरनी भी नहीं, छिड़काव भी नहीं दवाई का। उसी तरह कुत्ते भरमार, कुत्तों की संख्या तो इतनी है, एक साथ सुबह में आप कभी आए तो वहाँ पे 40-50 का झुंड की झुंड आपको दिखाई देगा। उसमें हमारी जो महिलाएं कोई दूध लेने जाती, कोई कुछ, वो जाने के लिए घबराती, उसके बावजूद जो हमारे छोटे छोटे बच्चे वो भी स्कूल में जाने के लिए घबराती है। सारी समस्या हमने महापौर साहब और ये जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे महान हस्तियाँ बैठी थी, सबको हमने निवेदन दिए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई जल्द से जल्द ये सभी हमारी समस्याएं दूर करेंगे। और उन्होंने कहा है जिसने भी वहाँ पर बोरिंग की पाइपलाइन डाला होगा और बोरिंग की वजह से जो हमारी पाइपलाइन फूटी है पानी की, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। तो हमें अभी वही देखना है कि भाई हमारे जो महापौर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि वो जिन्होंने भी फोड़ा है उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए, और जो भी हमारी पानी की समस्या है, गान की समस्या है, कुत्ते की समस्या है, जो भी ये सब हम
हमें सवाल होना चाहिए। इतना कहकर मैं मेरे दो शब्द समाप्त करना चाहूंगी। राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टीच्या शहर उपाध्यक्ष पदी मंगला बसपुते यांची नियुक्ती झाल्याने त्यांचा महिला पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला व भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टीच्या धुळे शहर उपाध्यक्ष पदी मंगला बसपुते यांची निवड करण्यात आली। तसे आशयाचे पत्र शहराध्यक्ष सरोज कदम यांच्या हस्ते देण्यात आले। पक्ष बळकटीसाठी करण्यात आलेल्या निवडीमुळे मंगला बसपुते यांचा महिला काँग्रेस पक्षाच्या शहराध्यक्ष सरोज कदम तसेच ज्योती पावरा माजी महापौर कल्पना महाले आदी पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पहार गुच्छ देऊन सत्कार केला। तसेच पक्षाची ध्येय धोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सांगून भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। यावेळी महिला पदाधिकारी तसेच महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या। यंदा थंडी जाणवत नसल्याने सुक्या मेव्याच्या खरेदीकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ। मनपा वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत वृक्षतोड करण्याबाबत घेण्यात आला निर्णय। पाणी पुरवठा नाही, माजी नगरसेविकेसह महिलांनी महापौरांना दिले निवेदन। आणि राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टीच्या शहर उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मंगला पाचपुतींचा करण्यात आला सत्कार। याचबरोबर सिटी चॅनल बातमीपत्र संपले। पुन्हा भेटूया पुढील प्रसारणात। तोपर्यंत नमस्कार।